दोस्तों दिस इज़ शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सनॉप्सिस आई के प्लेटफॉर्म पे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माय स्ट्रेटजी व्हिच हेल्प मी टू क्लियर प्रिलिम्स सिक्स टाइम्स इन रो ठीक है तो इस कोर्स uh, का नाम है मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम अगर आप इसको देखते हैं एंड व्हाटएवर आई एम गोइंग टू कन्वे अगर आप तक सही तक तरीके से बात पहुँच पाती है तो डेफिनेटली आपकी मेन्स एग्जामिनेशन हॉल में आपका एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी ठीक है तो इसमें इस लेक्चर में, इस में हम गेस्टवर्क एंड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे 2015 का पेपर हम एज अ एज अ डिस्कशन के लिए लेंगे ठीक है फिर उसको लेकर आगे बढ़ाएंगे ठीक है फिर चलिए सवाल डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल मैं पढ़ा रहा हूँ सिनॉपसिस पे ठीक है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें डैट विल बी फोर्टी परसेंट लेक्चर फोर्टी परसेंट लेक्चर विल बी फ्री एंड रेस्ट ऑफ द सिक्सटी परसेंट विल बी ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस और बहुत ही रीज़नेबल है आई थिंक ट्वेल्व थाउजेंड ही फी है तो डैट विल बी वेरी रीजनेबल अगर आप पूरे ऑप्शनल की बात करें और जितना भी हम सारी चीज़ें देंगे आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एवरी थिंग तो क्वाइट रीजनेबल ठीक है तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं ठीक है तो ये चार आ, नेशनल पार्क्स के नाम दिए और पूछ रहा है कि ऐसा कौन है जिसमें नेशनल पार्क है जहां पे फ्लोटिंग वेजिटेशन तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क ठीक है मणिपुर में है लोकटक लेक के ऊपर है इस क्वेश्चन से हम देख सकते हैं भितरकनिका के बारे में आप इससे पढ़ लेना भितरकनिका नेशनल पार्क क्या है उसकी खास बातें क्या है केवल लम नेशनल पार्क यहाँ पर पूछा है फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगले साल जो है लोकटक लेक के बारे में कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए गए तो कहने का मतलब ये है कि पिछले साल के क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही अगले साल का पेपर भी सेट होता है उसको ध्यान रखेंगे क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई नए एग्जामिनर को किसी साल के पेपर को सेट करने को दिया जाता है तो पिछले साल के वो एग्जामिनर क्या करता है कि पिछले साल के पेपर्स को वो एनालाइज करता है और ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि आदमी कुछ जब भी नया सोचता है तो उसी चीजों के अराउंड सोचता है जो अभी उसने रिसेंटली देखी हो तो जब भी कोई एग्जामिनर नया एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही होते हैं वो आउट ऑफ द ब्लू जाके पेपर सेट नहीं होता है ठीक है तो इस वजह से आने वाले समय में भितरकनिया के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है केवला देव के ऊपर के ऊपर ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है हो सकता है कि 2020 या 21 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क के ऊपर कोई सवाल बनाकर फ्रेम कर ले तो आपको क्या करना है कि इन सारे पार्क्स के बारे में आपको एक रजिस्टर बनाना है और सारे पार्क्स के बारे में उसके बारे में जो भी पाँच दस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको नोट कर लेना है ठीक है गूगल पे आप विकीपीडिया खोलिएगा और सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में आप पढ़ लेना उसमें देख लेना कि कहाँ पर ये मौजूद है कौन कौन सी इसमें देखना क्या होता है वो भी बताता हूँ प्लेस ठीक है फिर अगर कोई रिवर बहती है तो वो आ, देख लेना फिर कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लोरा एंड फाउना ठीक है फ्लोरा एंड फाउना जो इम्पॉर्टेंट है उस नेशनल पार्क में उसके बारे में आप पढ़ लेना ठीक है जैसे केबुल लम नेशनल पार्क की अगर खास बात बताऊँ तो यहाँ पे आ, जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है उसका नाम है फुमदिस ठीक है ये ग्रास होती है जो सड़ के धीरे धीरे आइलैंड बना लेती है फिर उसके अलावा यहाँ पे एक डियर पाया जाता है जिसका नाम है संगई डियर ठीक है यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और खास बात यह है इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है संगई डियर यह केबुल नेशनल पार्क में मिलता है ठीक है तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो नियर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो एन आई एफ इज एटोनॉमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं शायद ना पता हो सबको याद तो रहता नहीं है इतना डिटेल में कौन पढ़ता है फिर दूसरा है एन आई एफ इज एन इनिशियटिव टू स्ट्रेंथन हाईली एडवांस इंडिया इंडिया प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन कोलेबोरेशन विध हाईली एडवांस्ड फॉरन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन तो ये हाईली एडवांस वर्ड क्या है ये कुछ अटपटा सा वर्ड नहीं है मैंने बताया था कि कुछ जब कभी भी अटपटे से वर्ड किसी भी ऑप्शन में दिए गए हों या कोई भी चीज़ बहुत ही दावे के साथ कही जा रही हो तो वो जनरली गलत होती है तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत ठीक है तो ये दोनों हो गए गलत अब बात फंसती है ए या डी में से तो अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा लक काम आएगा अगर नॉलेज होती तो भाई आपको पता होता कि ये है कि नहीं है अगर नहीं है याद नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अपने लक के ऊपर खेल सकते हैं ठीक है और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो इस सवाल का जवाब जो है जनरली ए है ठीक है चलिए अब ये पूछ रहा है अगला सवाल जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इन इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर तो यहां पे कौन सा अप्रोच यूज होगा यहां पे अप्रोच होगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला अप्रोच यहां पर यूज करेंगे तो इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर तो ये क्या है नेगेटिव चीज़ है तो बुरी चीज़ का बुरा नतीजा ठीक है अच्छी चीज़ का अच्छा नतीजा बुरी चीज़ का बुरा नतीजा जो हमने पिछले जब हम 2014 डिस्कस कर रहे थे तो उसमें नीम ऑयल के बारे में हमने देखा था तो नीम ऑयल क्या है एक अच्छी चीज है तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी पॉजिटिव चीजें होंगी वो सारे ऑप्शन सही होंगे तो यहां पर अगर हमें देखना है तो इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ये हो गई नेगेटिव चीज़ अब इसको देखते हैं पहला ऑप्शन प्रोलीफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर प्रोलीफरेशन मतलब होता है फैलाव ठीक है कहने का मतलब यह है कि अगर हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का अपने एग्रीकल्चर में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ठीक है एक्सेस मात्रा में तो क्या उससे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ अच्छी चीज़ है यानी कि ये हो गया पॉजिटिव इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस तो ये एसिडिटी सॉइल की अच्छी चीज होती है या बुरी चीज बुरी चीज ठीक है फिर लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर अब लीचिंग ऑफ नाइट्रेट ठीक है थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट जोग्राफी और एग्रीकल्चर का तो आपको पता होगा लीचिंग ऑफ नाइट्रेट क्या होता है जिसमें नाइट्रेट लीच आउट कर जाते हैं यानी क्रॉल आउट करके या सीप इन कर जाते हैं ठीक है तो यह अच्छी चीज या बुरी चीज ये है ये भी बुरी चीज़ है तो इसका जो जवाब होगा ये माइनस माइनस मिलेगा इसके साथ इस माइनस के साथ और इसका जो जवाब होगा टू एंड थ्री ओनली ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अगर नहीं आ रहा है ठीक है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कि नहीं होगा क्योंकि इतनी डिटेल में कौन पढ़ता है नहीं समझ में आती कई बार बहुत सारा पढ़ने के बाद भी अगर आप चाहें देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कवर कर पाते हैं नहीं समझ पाते हैं क्योंकि किसी भी पेपर में डायरेक्ट तो लिखा नहीं होता है किसी भी किताब में तो वहाँ पर कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे और इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव और इसके साथ नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव जाएगा नेगेटिव के साथ ठीक है अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो जो भी पॉजिटिव होता तो ये दोनों सही होते ठीक है तो सिंपल इस ट्रिक का ट्रिक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू आयु सी एन एंड द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना जिसको हम साइट्स भी कहते हैं ठीक है अब ये दो चीजों के बारे में पूछा आयु सी एन और साइट्स दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन कह रहा है कि आयु सी एन इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन तो सबसे पहली बात है यहीं से चीजें कट जाएंगी ठीक है आप देखिए कितना आसान है आई ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का नहीं है कोई भी अगर थोड़ा भी सीरियस कैंडिडेट है तो उसे पता होगा यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन कौन कौन सी है कौन कौन सी ऑर्गनस है जनरल असेंबली हो गई फिर उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल हो गई उसके अलावा आप देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया सेक्रेटेरिएट हो गया फिर उसके अलावा इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो ये पांच ऑर्गन्स हो गए इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल भी थी लेकिन फिर बाद में जब सारे देश आज़ाद हो गए तो ट्रस्टी सब काउंसिल को डिजोल्व कर दिया गया तो अभी पाँच ऑर्गन्स हैं इसकी तो ये तो सीधे सीधे जवाब आ गया इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है जैसे ही अगर आपको इतना भी पता है आयु ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन की तो आपने पहला ऑप्शन एलिमिनेट किया पहला ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपका सीधे जवाब आ गया तो हमेशा एग्जाम में क्या करना है एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है ठीक है इसको ध्यान रखेंगे इससे समय भी बचेगा आपके दिमाग की एनर्जी भी बचेगी अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो होता क्या है कि साठ सवाल क्वेश्चन करते करते दिमाग इतना थक जाता है कि फिर बाकी के जो चालीस क्वेश्चन होते हैं उसमें मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है आपके एरर करने की जो प्रोपेंसिटी है वो बढ़ जाती है ठीक है तो अगर दिमाग कम खर्च होगा तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा लास्ट क्वेश्चन तक नहीं तो फिर आप गलती कर सकते हैं फिर अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू फ्लाई एश प्रोड्यूस बाई पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज अ फ्यूल इनमें से कौन सा पॉइंट सही है ठीक है तो फ्लाई एश कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो कैन बी यूज वर्ड दिया गया है ठीक है कोई भी बात यहां पर दावे के साथ नहीं की जा रही है हो सकता है तो यानी कि इसके होने की इस ऑप्शन के सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है ठीक है कैन बी यूज जहाँ पर भी इस तरीके के शब्द हों कैन बी यूज फिर दूसरे में दे रहा कि फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट ये भी एक माइल्ड सा स्टेटमेंट है इसमें कोई भी बात असर्टिव तरीके से असर्टिव तरीके से नहीं कही जा रही ये भी नॉन असर्टिव स्टेटमेंट है असर्टिव मतलब बिना दावे के तो ये भी नॉन असर्टिव है ये भी नॉन असर्टिव है यानी ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है फिर तीसरे पे आते हैं तो पहला दूसरा सही है तो पहला दूसरा सही होने पर ही हमारा लगभग आंसर आ जाता है लेकिन फिर भी सेफ्टी के साथ खेलते हैं सेफ हो के तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं ज़्यादा बहुत ही आ, करेज होना जरूरी है लेकिन ऐसे ऐसा ऑडेसिटी नहीं होनी चाहिए तो फ्लाई ऐश इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट अब देख रहे हैं कि ओनली शब्द है एनी टॉक्सिक उसमें कोई दूसरा टॉक्सिक एलिमेंट होता ही नहीं है यानी कि यहां पर बात आप देख रहे हैं कि दावे के साथ कही जा रही है ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा तो इसका जो सही जवाब होगा होगा वन एंड टू ठीक है समझ में आ रही है बात देखिए कितना आसान है मतलब लोग कितना डरते रहते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर और मैंने तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी देखे हैं जिन लोगों ने बहुत सारी ऐसे एम uh, के ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जिस पर दिन भर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ठीक है शिटपॉट पर भी बैठे हैं तो वहाँ पर भी वो दिन भर रात भर एम सी क्यूज़ एप्स पर रैंडम एम आते रहते हैं और उसको सॉल्व करते रहते हैं नहीं दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी ऐसे तो फिर बहुत ही मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं सेम एम के क्वेश्चन जो ऐप पे दिए हैं उसके रिपीट किए जाने की संभावना कितनी कम है ठीक है इससे बस आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा लेकिन होता क्या है कि नॉलेज बेस बढ़ता है लेकिन कभी भी सफलता पाने की जो संभावना है तो प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस इट रिमेन्स द सेम क्योंकि आप सही स्ट्रैटेजी के साथ सही माइंडसेट uh, के साथ आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो वो होना बहुत ज़रूरी है अगर जब तक वो नहीं है तब तक आप ऐसे ही घिसते रहेंगे बहुत सारे ऐसी फैकल्टीज़ भी हैं जो ऑनलाइन बेसिकली लोगों को गुमराह करने का काम करती हैं ठीक है गुमराह करने का काम करती हैं उन वो कहती हैं कि नहीं ये सब ट्रिक्स विक्स काम नहीं आती हैं और पढ़ाई काम आती है ये सब सारी चीज़ें बेसिकली उनका कहने का धन्... क्या है कि अपना धंधा चलाना है ठीक है धंधा क्या है कि रैंडमली उनको लेक्चर्स बनाने हैं और बच्चों को डरा डरा के अपने सब्सक्रिप्शन और अपनी एनरोलमेंट कराना है ठीक है तो वो सही रास्ता कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर सही रास्ता दिखाएंगे तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी ठीक है तो ये वाली एक समस्या यहाँ पर मैंने देखी है तो वो नहीं करना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं विथ रेफरेंस टू डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया च ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो पहला है कि इट इज अर्बीवॉरस मरीन एनिमल ठीक है अब डुगा के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है मान लीजिए कि नहीं पता जर् जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं यह मान के डिस्कस कर रहा हूं कि आपको नहीं पता ठीक है तो पहला इट इज हर मरीन एनिमल अब नहीं पता है तो कुछ कह नहीं सकते दूसरे पॉइंट पर देखते हैं शायद कुछ गैस मिल जाए इट इज फाउंड अलॉन्ग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया तो ये इंटायर कोस्ट क्या है इट इज फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ इंडिया ऐसा भी लिख सकते हैं इंटायर कोस्ट यानी कि कोई बात बहुत दावे के साथ कही जा रही है कि इंडिया के हर कोने में ये पाई जाती है तो ये स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना ज़्यादा है तो इस पर थोड़ा सा डाउट देखिए अब अभ, अभी हम आ, उस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो दूसरा वाला पॉइंट है असर्टिव है तो इसके गलत होने की संभावना ज़्यादा है चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर स्कड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि पता नहीं है तो कैसे करेंगे तो खैर सबसे पहले क्या करते हैं कि दूसरे वाले पॉइंट के बेसिस पे ऑप्शनस को एलिमिनेट कर देते हैं अब बचा हमारे पास वन थ्री और थ्री ओनली इसका मतलब है कि थ्री तो सही है ठीक है तो थ्री पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अब बचा वन सही है कि नहीं सही है ठीक है तो वन इट इज़ अ हर्बीवॉरस मरीन एनिमल तो थोड़ा बहुत ध्यान अगर याद रहे तो एन में अगर आप देखेंगे तो एन में ठीक है एन में क्या दिया है कि डुगोंग का एक फोटो दिया हुआ है जिसको हम सी काउ भी कहते हैं ठीक है इसको सी काओ भी कहा जाता है डुगोंग का एक फोटो बना हुआ उसके बारे में कुछ और नहीं लिखा हुआ है इसी वजह से मैं कहता हूं कि एनसीआरटी को कैसे पढ़ना है एनसीआरटी प्लस इंटरनेट कि आपने देखा कि किसी जानवर का फोटो एनसीआरटी में बना हुआ है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे आप इंटरनेट पे सर्च करके उस जानवर के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता करेंगे तो अगर आपने एन खुले दिल से और खुले दिमाग से और खुली आंखों से पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे ठीक है तो इट इज़ अ अर्विवारस मरीन एनिमल ये वाला पॉइंट सही है ठीक है तो वन एंड थ्री इसका सही जवाब होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज़ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट अब मान लीजिए कि नहीं याद है कि कैसे होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन करता है ठीक है तो जनरली इसके लिए भी बता दूं कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट है या कोई भी इनिशिएटिव है जिसके आगे ग्लोबल वर्ल्ड जुड़ा हुआ है तो जनरली वो वर्ल्ड बैंक की होती है ठीक है ये हमेशा सही नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत आप गेस वर्क कर सकते हैं ग्लोबल अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो वर्ल्ड बैंक का होगा ठीक है अब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है तो एशिया एशियन है ये भी रीजनल बैंक है ये शायद नहीं होगा फिर यूरोपियन बैंक ये भी रीजनल है तो ये भी शायद नहीं हो सकता है फिर यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ये तो एक बैंक है तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट क्यों पब्लिश करेगा तो ये भी शायद नहीं होगा तो बचा क्या ये वर्ल्ड बैंक तो सबसे बड़ा हमारा जो सस्पेक्ट है इस आंसर का वो है वर्ल्ड बैंक तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल करके वर्ल्ड बैंक पे टिक कर सकते हैं ठीक है तो ग्लोबल शब्द है तो जनरली ग्लोबल शब्द वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड होता है इसको याद रख सकते हैं ऐसा मत करिएगा कि आपको एग्जाम में याद आ रहा है फिर भी आपने इसलिए वर्ल्ड बैंक कर दिया क्योंकि मैंने कहा था अगर आपको एकदम श्योर शॉर्ट पता है कि भाई ये रिपोर्ट या ये चीज़ इनिशिएटिव इस पर्टिकुलर संस्था का है तब तो नहीं करना है ठीक है कोई ऐसा ब्रह्म वाक्य तो मैं कह नहीं रहा हूँ एक जनरली बीच में ट्रिक्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की मैं बात कह रहा हूँ कि कभी ऐसा लगे कि भाई आपके जो अटैम्प्ट हैं वो जो सौ क्वेश्चन में अगर आप मानिए कि सिर्फ साठ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना ठीक है आपको कम से कम एट्टी फाइव प्लस क्वेश्चन करने हैं ठीक है एट्टी फाइव प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है तभी जाकर सिलेक्शन होगा ठीक है बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं है, गेस वर्क और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और जो क्वेश्चन आए सिर्फ उन्हीं को अटैम्प्ट करना है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा आपको साठ क्वेश्चन ही आएंगे साठ क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सच में मैं बता रहा हूँ कि आपको नहीं आएगा उसमें आपको थोड़ा बहुत ये सब गेस वर्क और थोड़े बहुत इंटेलिजेंट गेस वर्क जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल आपको करना ही करना पड़ेगा और आपको कम से कम 85 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तभी जाके सिलेक्शन होगा इस चीज़ को याद रखेंगे ठीक है सब सिर्फ सही करने के चक्कर में जाएंगे तो साठ से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आप सोच लो कि साठ क्वेश्चन किए तो साठ में से आपके सही कितने होंगे पचास सही होंगे ठीक है और पचास में से आपके कितने नंबर हो गए सौ नंबर हो गए दस गलत हो गए यानी दस नंबर अग, दस अगर गलत हो गए तो लगभग तीन नंबर आप चार नंबर माइनस कर लीजिए कितने नंबर आए आपके नाइन्टी सिक्स तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है ठीक है तो ये गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे पूरा ही एकदम भगवान का नाम लेके नहीं करना है थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वन द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेज स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाई फिफ्टी बेसिस पॉइंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी अगर एस को कम करता है तो क्या हो सकता है तो ऑप्शन है कि इंडिया की जीडीपी रेट ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी तो ये होगा नहीं ड्रास्टिक शब्द है ठीक है यहाँ पे एक एसर्टिव शब्द दिया है कि बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ जाएगी तो ये गलत है फिर ये भी देख लेते हैं डी वाला भी इट मे रिड्यूस ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम तो ड्रास्टिकली रिड्यूस ये भी गलत है अब बचाइए दो कि फॉरेन एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इन टू आवर इकोनॉमी तो ये जनरली हो सकता है सी का भी देखते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कट द लेंडिंग रेट्स ये भी हो सकता है तो बी और सी में से हमें देखना है अब देखिए अब आर बी को कम कर रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि एफ से इसका कोई लेना देना नहीं है इसका लेना देना है बैंकों से बैंकों की लेंडिंग पावर को बेसिकली आर अपने क्वांटिटेटिव जो टूल्स हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो टाइप के टूल्स होते हैं तो क्वान्टिटेटिव जो पॉलिसी है उसके माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी का जो दो पार्ट होते हैं आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं ठीक है एक होता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव इसको पढ़ लेना आप और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इन दो माध्यम दो तरीकों से आर लिक्विडिटी को लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं कि कैश फ्लो इन इकोनॉमी और आपको पता होगा कि कैश फ्लो इन इकोनॉमी इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती है ठीक है तो ये है चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर तो विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अब मैंने क्या बताया था कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मतलब कि सब सही है तो नैनो टेक्नोलॉजी से अगर होता कि क्या इससे क्या टारगेटेड डिलीवरी हो सकती है ड्रग्स की यानी कि दवाइयों को क्या अगर मान लीजिए कि इंटेस्टाइन में कोई दवा पहुंचानी है तो क्या नैनो पार्ट नैनो टेक्नोलॉजी से हम इंटेस्टाइन में डायरेक्टली दवा पहुंचा सकते हैं हाँ पहुंचा सकते हैं क्या नैनो टेक्नोलॉजी से जीन थेरेपी हो सकती है हाँ हो सकती है क्या नैनो टेक्नोलॉजी से नैनो टेक्नोलॉजी से अमिताभ बच्चन के सर पे बाल आ सकता है ठीक है तो हाँ आ सकता है क्या सलमान खान का दिमाग सही हो सकता है हाँ हो सकता है क्या राहुल गांधी समझदार हो सकते हैं हाँ हो सकते हैं ये सारी चीज़ें नैनो टेक्नोलॉजी से हो सकती हैं क्योंकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो इसका कोई भी इट हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल तो दोनों ही इसका सही होगा ठीक है सिंपल चलिए आगे चलते हैं फिर पच्चीसवा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया ठीक है अब देख रहे हैं फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है गैन्जेटिक डॉल्फिन वाला अभी हमने पिछले साल के पेपर में भी देखा गेंजेटिक डॉल्फिन के ऊपर पूछा था फिर से आप देखेंगे 2018 में फिर से पूछा है गैजेटिक डॉल्फिन फिर 2019 में फिर से इरावदी डॉल्फिन पूछा है तो वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते ठीक है अभी क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ लेना है इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है आपको ऑलिव रिड्डी टर्टल इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये गहिर माथा में पाया जाता है जनरली गहिर माथा एक मरीन सेंचुरी है उड़ीसा में यहाँ पर ऑलिव रिड्डी टर्टल के बहुत बड़े नेस्टिंग साइट्स हैं इसके बारे में आप और पढ़ लेना कि ये इंडेंजर्ड है नहीं है क्या है सारी चीज़ें गेंजेटरी डॉल्फिन के बारे में फिर से और पढ़ लेना क्या पता फिर से कुछ पूछ दे घड़ियाल यहाँ पर पूछा गया है घड़ियाल आप देखेंगे तो फिर से पूछेगा कि घड़ियाल इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है तो उसका आंसर जो है चंबल रिवर है ठीक है तो वही सेम चीज़ें इर्द गिर्द पूछता है टॉपिक सेम रहता है क्वेश्चन को अलग अलग फ्रेम करता है तो इसके बारे में ये जो चारों जानवरों का नाम दिया है इसके बारे में आप गूगल पे थोड़ा बहुत करके उसके एक रजिस्टर में नोट्स बना लेना ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सी एस पी सी एस पी सी एस पी किसने किसने बनाई थी तो सी एस पी बनाई थी मीनू मसानी आचार्य नरेंद्र देव ठीक है फिर जय जय प्रकाश नारायण ये लोग जुड़े हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ठीक है तो इसमें क्या है कि इट एडवोकेटेड द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस ठीक है तो कुछ कह नहीं सकते कि ये सही है कि नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं इट वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है अब यहाँ पर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अच्छा काम ही करेगी ये कोई प्रोलेटेरिएट यानी कि प्रोलेटेरिएट मतलब होता है वर्कर्स वर्कर्स की तानाशाही ने इस्टाबलिश करना चाहते थे तो दूसरा पॉइंट गलत हो गया ठीक है अब हमें देखना है कि बी या डी में से कौन सा सही है फिर तीसरी चीज़ है कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही थी माइनॉरिटीज़ और ओपरस्ट क्लास के लिए तो क्या कांग्रेस से जुड़ी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कहेगी नहीं कहेगी ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मुस्लिम लीग ने कही थी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कांग्रेस से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं कहेगी क्योंकि ये भी एक गलत चीज़ है तो सी हो गया पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव ये भी हो गया नेगेटिव तो ये दोनों होगा नहीं ठीक है जब दूसरा तीसरा नहीं होगा ठीक है तो कोई ऐसा पॉइंट बचता नहीं है नन ऑफ दीज के अलावा तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया डी ठीक है सिंपल चले आगे चलिए अगला सवाल कहता है एन के बारे में सवाल पूछा गया है कि एन नियर फील्ड कम्युनिकेशन एन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इनमें से कौन से पॉइंट्स सही हैं तो पहला पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ अ कॉन्टैक्ट लेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डैट यूजेज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स ठीक है अब पता नहीं ये डाउटफुल है चलिए अगला पॉइंट देखते हैं शायद कुछ क्लू uh, मिल जाए एन एफ सी इज़ डिज़ाइन टू यूज बाई डिवाइस विच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्राम ईच अदर तो यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात है यहां पर एक एक मीटर की बात कही जा रही है तो ये ये जो है पॉइंट गलत हो गया ठीक है फिर एन एफ सी कैन यूज इंक्रिप्शन वेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो भाई ये सही लग रहा है सही पॉइंट है क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के फायदे फायदे वाली बात होगी नई टेक्नोलॉजी है तो अच्छा अच्छा काम कुछ करेगी तो ये पॉइंट सही है तो जब तीसरा पॉइंट सही है दूसरा गलत है तो दूसरा गलत है तो एक बार देख लेते हैं दूसरा पॉइंट एलिमिनेट करके इसका मतलब है कि अब थ्री और वन थ्री पूछ रहा है इसका मतलब है कि हमें अब थ्री पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है तो वन सही है या नहीं है तो वन भी सही होगा ही क्योंकि ये कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ठीक है नियर फील्ड कम्युनिकेशन आपने यूज़ किया होगा कि मोबाइल में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है और आपको दूसरे मोबाइल में कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है आप नहीं चाहते कि कि कोई और उसको हैक करे या कोई और उसको आ, उसमें से इन्फॉर्मेशन चुरा ले तो आपको अगर इस इन्फॉर्मेशन को इस इस मोबाइल में भेजना है इस मोबाइल की इन्फॉर्मेशन को इस मोबाइल में भेजना है तो आप डायरेक्टली उसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट डेटा इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है सेम वे कई बार आपको मोबाइल से पे करना होता है अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं है आपको मोबाइल से पे करना है तो आप अपने मोबाइल के एन को ऑन करके अपने मोबाइल को जिस डिवाइस में पे करना है उसके पास में एकदम चिपका के ले जाएंगे तो यहाँ से वो पैसा यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है या कोई फाइल या डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है ठीक है तो सिंपल है तो दूसरा पॉइंट एलिमिनेट करते ही हमें पता चल जाएगा कि इसका जो सही जवाब है वो है वन एंड थ्री ठीक है चलिए अगला सवाल कर देखते हैं अब नदियाँ दी हैं गोदावरी की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी है वो पूछा है तो ये पॉइंट मैंने इसलिए क्वेश्चन उठाया है कि हर साल रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है जनरली हर साल आता ही आता है तो एन में इसमें आपको रैंडम नहीं पढ़ना है एन सी में जितनी भी नदियां और उनके ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हैं उसको रट लेना ठीक है एक क्वेश्चन आपका फिक्स है तो ये जरूर करिएगा नदियों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम यानी कि जिसको बोलते हैं साम्यवादी सामंतवादी शासन ठीक है जिसमें ज़मींदार और ये सारी चीज़ें होती थी तो अब ये पहला पॉइंट देख रहे हैं कि फ्यूडल सिस्टम के बारे में कुछ ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि फ्यूडल सिस्टम के बारे में इन ऑप्शन में से कौन सा सही है तो पहला है अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पोलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पोलिटिकल अथॉरिटी वेरी स्ट्रांग वर्ड दिया है वेरी वीक शब्द दिया है यानी कि ये असर्टिव स्टेटमेंट है यानी कि गलत होगा ठीक है तो पहला पॉइंट गलत हो गया अब बचा हमारे पास टू थ्री या थ्री यानी कि थ्री तो है ही अब हमें टू पर ध्यान देना है तो थ्री तो सही है ही इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजिशन ऑफ लैंड तो आसान बात है कि भाई जमींदार क्या था जमीनें होती थी जमींदार के पास तो वो राजा के बिहाफ पे वो टैक्स वसूलता था और राजा को देता था बाकी जो टैक्स में से एक्स्ट्रा बचता था खुद रखता था ये फ्यूडल सिस्टम कहलाया क्योंकि राजा राजा ने बेसिकली एक राजा होता था फ्यूडल सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ राजा था अब राजा हर जगह तो टैक्स वसूल नहीं सकता था तो राजा एक तरीके से अपने जागीर के कुछ हिस्सों को कुछ लोगों को देता था, था कि भाई ये काम करो तुम्हारा तुम ये रहो तुम्हारी ये रही ज़मीन इतना हिस्सा तुम्हारी ज़मीन है इसमें तुम किसानों से खेती करवाओ उस चाहे जो करवाओ उसमें जो पैसा मिले ठीक है उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखो कुछ हिस्सा मुझे दे दो राजा को तो सिर्फ पैसे से मतलब था अब उस पैसे को किस तरीके से ये जमींदार वसूल लाए कितनी जाति कर रहा है किसानों के ऊपर इसको इससे राजा का कोई लेना देना नहीं था ठीक है तो ये था पूरा सामंतवादी शासन तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया पहला वाला गलत हो गया और थ्री थ्री तो है यानी कि टू पे फोकस करना है इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कंट्रोल एंड पोजिशन ऑफ लैंड तो टू और थ्री दोनों हमारे सही हो गए इसका ऑप्शन हो गया बी ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब हु या ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब ये सवाल तो आसान है लेकिन जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनके लिए है कठिन ठीक है जैसे कि मैंने लगाया था तो हुआ क्या जब मैं पेपर दे रहा था तो मैंने आ, मुझे ये पता था कि इंडिया में जितने भी ऑफिस हैं सिर्फ प्रेसिडेंट बाकी जो ऑफिसेज हैं चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गया चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो गया वो लोग संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं एलिजेंस ठीक है एलिजेंस की शपथ लेते हैं लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो संविधान के सेफ्टी और सिक्योरिटी सेफ्टी और सिक्योरिटी संविधान की रक्षा की शपथ लेता है तो मुझे लगा कि संविधान का जो कस्टोडियन है वो प्रेसिडेंट होना चाहिए और आई वॉज़ वेरी हैप्पी मुझे लगा कि आई एम द ओनली हो सकता है कि मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ ऐसा एक्सपेरेंट होगा जिसका ये आंसर सही होगा बाकी सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट मार के आएंगे मैं लेकिन प्रेसिडेंट मार के आऊँगा क्योंकि मैंने कोई नायाब चीज़ सोच के ये आंसर कर रहा हूँ तो होगा क्या गलत होगा जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी आपके दिल में ऐसी कोई बात आए कि यू आर द ओनली वन हु आर एब हु इज एबल टू थिंक बियड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ नॉर्मल कैंडिडेट और हु इज एबल टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स तब तब आपका आंसर गलत होगा जब भी आपके मन में इस तरीके के uh, उमंग जागेगी ठीक है तो ये मान लीजिए कि आप हंड्रेड परसेंट उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो यही है इस, uh, यथार्थ यही है तो इसका जो सही जवाब होगा दैट विल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडियन ओशन रीजनल कोऑपरेशन आईओ आर सी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन अब ये पूछ रहा है इट वाज एस्टैब्लिश वेरी रिसेंटली इन रिस्पांस टू इंसिडेंट्स ऑफ पैरिसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल्स ठीक है तो वेरी रिसेंटली वर्ड दिया है एक तरीके से मतलब असर्टिव सा स्टेटमेंट है वेरी स्मॉल वेरी रिसेंटली तो ये गलत हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा गलत होगा ही होगा हो सकता है फिर इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मेरी टाइम सिक्योरिटी ओनली ये भी गलत होने की संभावना ज्यादा है अगर मान जी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही हो जाएगा आपका तो इसका होगा नीदर वन और टू आंसर हो गया आपका डी ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है ठीक है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है तो सबसे पहली बात है कि ये गलत हो गया क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस का इस्तेमाल होता है अब ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या है वो बाद में कभी बताऊँगा फिर से अगर कन्फ्यूजन होगी तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो आई विल डेफ़िनेटली हेल्प यू आउट ठीक है लेकिन फिर अभी डिस्कस करूंगा तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको रहने देते हैं तो चौथा पॉइंट हो गया गलत तो चौथे पॉइंट को हम हटाएंगे अब बचेगा वन टू थ्री और वन टू इसका मतलब कि वन और टू तो सही है ही अब हमें कंफ्यूजन है और फाइव तो हमारे दिमाग में हमें देखना ही नहीं है बचा मिनरल एक्सप्लोरेशन है कि नहीं है तो भाई जब वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लोकेट कर सकता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को एसेस कर सकता है तो मिनरल्स को भी एक्सप्लोर करने में मदद कर सकता है धरती में देख कर पता कर सकता है धरती की मिट्टी की क्वालिटी उसका कलर देख के पता कर सकता है ठीक है कि वहाँ पर कौन सा मिनरल मौजूद है ठीक है तो इसका जो सही जवाब हो गया वन टू एंड थ्री आसान था चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेनियनसी अब आपको याद होगा ठीक है कि इसके ऊपर फिर से सवाल रिपीट करेगा ठीक है मेडिटेनसी के ऊपर आप देखेंगे कि फिर से सवाल रिपीट करेगा पिछले बार जब सवाल पूछा था तो पूछा था कि इन कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री लैंड लॉक कंट्री है लैंड लॉक कंट्री लैंड लॉक यानी कि जिस ना देश का कोई भी आ, हिस्सा बाउंड्री ओशन को टच नहीं करती है ये सवाल पूछा गया था इस बार पूछा है दूसरे तरीके से ठीक है सवाल सेम है दूसरा तरीका है सी। तो पिछले साल का जवाब भी जॉर्डन था इस साल का जवाब भी जो है जॉर्डन है ठीक है जॉर्डन बेसिकली आप देखेंगे तो ये हो गया आपका इसराइल इधर हो गया आपका जॉर्डन इसराइल और जॉर्डन के बीच में एक डेड सी है आपने सुना होगा नाम डेड सी जो इतना खा रहा है कि आदमी उसमें बिना तैरे भी तैर सकता है डूबेगा नहीं तो ये हो गया जॉर्डन ये हो गया इज़राइल ये हो गया आपका गाज़ा पट्टी ये हो गया आपका वेस्ट बैंक यहाँ पर और ये हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर हो गया आपका लेबनान ठीक है फिर यहाँ पर हो गया आपका लेबनान के इधर वाले हिस्से में इसराइल सॉरी सीरिया ठीक है सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पर एक एरिया है जिसका नाम है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है गोलन हाइट्स जहाँ पर अक्सर मार चलती रहती है तो आप देखेंगे कि गोलन हाइट्स के ऊपर भी सवाल यू के फिल्म में पूछ चुका है फिर इसराइल का एक जो हिस्सा है छोटा सा वहाँ से अफ्रीका शुरू होता है ठीक है तो इसराइल और अफ्रीका के बीच में एक जगह है जिसका नाम है सिनाई पेनसुला सिनाई पेनसुला ठीक है तो ये नाम याद रखें सिनाई पेनसुला इसराइल और अफ्रीका के बीच में है और यहाँ पर आपका हो गया एक देश है जिसका नाम है ईजिप्ट ठीक है जिसको पुराने नाम जिसका है मिस्र भी कहते हैं तो इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक एरिया है जिसका नाम है सिनाई पेनलसुला यहां पर भी मारकाट मस्ती रहती है इस वजह से ये सिनाई पेनलसुला काफी न्यूज में रहता है फिर ये गोल्डन हाइट्स है आपके इसराइल और आ, सीरिया के बीच में ठीक है तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत आप इसको देख लेना नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार लेक्चर को रिपीट कर लेना तो दिख जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें से क्या सही है क्या गलत है वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेसिकली ये जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे या बजट से ठीक है तो इसमें कैच क्या है कि इसमें पूछा है कि पिछले दशक में लास्ट दस सालों में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जी डी पी हेज स्टेडली इंक्रीज ठीक है तो देखो रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का परसेंटेज ग्रोथ का परसेंटेज स्टेडली बढ़ा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि परसेंटेज वाइज देखो एप्सल्यूट एप्सल्यूट नंबर्स में चीजें स्टेडली बढ़ सकती हैं अगर ये क्वेश्चन पूछता कि क्या जीडीपी डी इंडिया की पिछले दस सालों में स्टडली बढ़ी है तो वो संभव है पॉसिबल है ठीक है कि इंडिया की जीडीपी पिछले दस सालों में सॉरी पिछले दस सालों में बढ़ी है लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी को बढ़ना या परसेंटेज परसेंटेज वाइज कोई चीज़ स्टडिली बढ़ना कि पहले चार परसेंट से फिर साढ़े चार परसेंट हो गई फिर सीधे पाँच हो गई फिर पाँच से साढ़े पाँच हो गई ठीक है फिर आठ हो गई आठ से नौ हो गई दैट इज़ नॉट पॉसिबल हमेशा तो होता है ना कि भाई चार परसेंट बढ़ा एक क्वार्टर में आप देखेंगे कि एक साल में ही जनवरी से मार्च के बीच में जीडीपी जो है फाइव परसेंट से बढ़ी फिर उसके बाद मार्च से जो है बाकी के जो तीन महीने अप्रैल मे और जून में आप देखेंगे कि ये फोर पॉइंट फाइव हो गई फिर फिर सिक्स हो गई फिर इस तरीके से बढ़ती है तो हमेशा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी चीज़ परसेंटेज में कंटिन्यूसली परसेंटेज वाइज बढ़ती रहे ठीक है तो यह भी गलत होगा फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ग्रॉस जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन रुपीज है स्टडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड ठीक है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेज इन रुपीज है स्टडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड तो ये इसके सही होने की संभावना हो सकती है ठीक है क्यों क्योंकि ये ये परसेंटेज में है और ये एब्सोल्यूट टर्म्स में है एब्सल्यूट टर्म्स में तो परसेंटेज वाइज चीज़ याद रखिएगा कि परसेंटेज वाइज चीज़ दस सालों तक लगातार स्टडिली बढ़ नहीं सकती है डेट इज़ वेरी डैट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड इम्पॉसिबल सिनारिव एब्सोल्यूट नंबर्स में चीज़ें बढ़ सकती हैं एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज तो समझ में आता होगा ना उसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है इतने तो समझदार हम होंगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार खुद से समझ लेना क्योंकि फिर वो डिस्कस करेंगे तो फिर अलग से टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो इज टू एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछा है ठीक है अगर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यानी कि मुख्य मुद्दा क्या था इसको समझना जरूरी है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन पूरा पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है नहीं तो अगर ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं होता सिर्फ ये पूछता कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्या क्यों बनाया गया था तो सारी चीजें सही होंगी लोगों का पार्टिसिपेशन होना डेवलपमेंट में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन करना सब कुछ होता लेकिन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव सारे नहीं होंगे ठीक है मुख्य मुद्दा पूछा है तो मुख्य मुद्दा है आपका पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट और दूसरा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो वन एंड थ्री इज द मुख्य मुद्दा होता तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ये चारों है लेकिन मुख्य मुद्दा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बनाने का था कि लोग विकास में अपनी सहभागिता कर सकें और दूसरा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज हो सके जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास है पॉलिटिकल पावर उसको डिसेंट्रलाइज करके लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को डिसेंट्रलाइज करके लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके ताकि जनता का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में बढ़ जाए गेटिंग इट तो ये है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी करते हैं विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो पहला है कि इन्फ्लेशन को लेकर इसमें से कौन सा सही है तो कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली तो ये गलत हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन तो ये तो गलत हो ही गया आसान है फिर डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ठीक है सही बात है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ये गलत बात है ये तो इतना तो सबको पता होगा जिसने थोड़ी भी इकोनॉमी पढ़ी है तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया सी ठीक है ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ओनली और इस तरीके के शब्द होते हैं तो गलत होते हैं बता चुका हूं नो रोल पूछा है ये भी एक तरीके से असर्टिव स्टेटमेंट है दावे के साथ कहा जा रहा है तो ये भी गलत है ठीक है चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं पांच देशों का नाम इसमें पूछा गया है फिर ये कहा गया है कि इनमें से कौन से देश को नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी के थ्रू ठीक है यानी कौन से देश एनपीटी के थ्रू दे आर न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि ऑफिशियली इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जिनको न्यूक्लियर इनेबल्ड स्टेट कहा गया है वैसे तो सारे देशों के पास इनमें जितने भी देश दिए गए हैं सबके पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन ऑफिशियल तौर पर न्यूक्लियर वेपन रखने की और न्यूक्लियर इनेबल्ड स्टेट होने की रिकॉग्निशन जो है जो तमगा है वो किसको मिला हुआ है ठीक है तो अब देखो आपको पता होगा कि इंडिया ने साइन किया नहीं है तो थर्ड पॉइंट नहीं होगा ठीक है थर्ड पॉइंट नहीं, नहीं होगा तो ये हट गया अब आपको ये पता है कि जब इंडिया साइन नहीं करेगा तो सला पाकिस्तान तो करेगा नहीं तो ये सी पॉइंट भी नहीं हुआ तो बचा क्या वन एंड टू इसका सही जवाब होगा चाइना एंड फ्रांस इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया ये तो पता होगा आपको ठीक है तो आसान है चाइना एंड फ्रांस चलिए अगला सवाल देखते हैं विथ रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज बाई इंडियन रेलवे बायो टॉयलेट्स आपने सुना होगा ना ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा लिखा रहता है ठीक है और उसमें ये भी लिखा रहता है कि ये बायो टॉयलेट है इसमें जो है अपना कूड़ा कचड़ा और ये सब अपना पानी की बोतल और अपना जूस की बोतल अपना घर का रजाई तकिया ये सब मत डालें लिखा रहता है तो वही बा, बायो टॉयलेट की बात की जा रही है जो हमेशा जाम रहता है जिसमें आप पाँच मिनट बैठ नहीं सकते अगर बायो टॉयलेट लगा हुआ है आपके ट्रेन के कंपार्टमेंट में इतना इतना अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखा जाता है कि आप उसमें पाँच मिनट नहीं बैठ सकते इतना अच्छी स्मेल आती है खैर खैरेवेज तो बायो टॉयलेट के बारे में सवाल पूछा गया है तो अब पूछा गया है डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायो टॉयलेट इज इनिशिएटेड बाई अ फंगल इनोकुलम अब ये तो पता नहीं है डाउटफुल है चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या पता कुछ हिंट मिल जाए अमोनिया वाटर एंड वाटर वेपर्स आर द ओनली एंड प्रोडक्ट ओनली एंड प्रोडक्ट इन द डिकम्पोजिशन विच आर रिलीज इन टू द एटमोस्फियर कि जो भी डिकम्पोज होगा उसमें सिर्फ अमोनिया और वाटर वेपर निकलेगा तो ये हो गया आपका असर्टिव स्टेटमेंट ये हो गया गलत ठीक है तो सेकेंड पॉइंट हो गया गलत अब बचा वन और ए और डी में से हमें देखना है अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ जो ह्यूमन वेस्ट है वो यहां पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है न कि फंगल डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया से वहां पर डिकम्पोजिशन होता है तो ये पॉइंट हट गया ये बचा ठीक है तो यहां पर थोड़ा बहुत नॉलेज भी काम आ सकती है अगर नहीं भी है फिर भी हम कॉमन सेंस से एटलीस्ट फिफ्टी फिफ्टी तो कर पा रहे हैं फिफ्टी फिफ्टी तो इस सवाल के होने की संभावना ज़्यादा है तो डी हो गया इसका आंसर ठीक है चलिए एक और सवाल देख लेते हैं विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हमें दो क्वेश्चन पूछा है पहला स्टेटमेंट ये है कि इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल द फ्यूल सेल्स इमिट हीट एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट ठीक है अब एज बाई प्रोडक्ट पूछा हीट एंड वाटर पूछा है ऐसा भी नहीं दिया कि ओनली हीट एंड वाटर तो ये होने की संभावना ज्यादा है फिर दूसरा है फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर तो देखिए ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो आज हो सकता है कि बिल्डिंग के लिए हो रहा हो कल को लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए भी इसका इस्तेमाल संभव है कोई जरूरी नहीं है कि कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में हाइड्रोजन की फ्यूल सेल से हम बैटरी लैपटॉप की बैटरी और कंप्यूटर चला सकें तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत ठीक है अब तीसरा पॉइंट है कि फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट अब ये भी हमारा थोड़ा सा डाउटफुल है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सेकेंड पॉइंट नहीं होगा सेकेंड पॉइंट नहीं होगा अब कंफ्यूजन है ए और सी में से तो वन तो है ही तो वन के ऊपर अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अब डाउट आ रहा है कि थ्री होगा कि नहीं होगा तो इतना तो समझ में आना चाहिए आपको कि जो भी बैटरी है बैटरी से चलने वाली चीज़ कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बनाती है। ठीक है जनरली वो डीसी करंट बनाती है डायरेक्ट करंट तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो भी हट गया तो आपका जो सही जवाब है वो है ए ठीक है तो ये था पूरा डिस्कशन ठीक है और अगले अगला पेपर फिर से डिस्कस करेंगे दूसरा कोई क्वेश्चन किसी की दूसरे साल का कोई क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसमें एक फिर से एक सेशन लेकर आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे जब मैंने ये डिस्कस किया कि 85 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उसमें भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं और कब रिस्क नहीं लेना है ठीक है रिस्क लेने का मतलब है कि कुछ कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपके अटैम्प्ट कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है तो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको रिस्क नहीं लेना है सपोज मान लीजिए आपने सिर्फ साठ क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं और आपको थोड़ा सा पुश करना है कि आप एटी फाइव क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें तो कौन से ऐसे वो पच्चीस सवाल हैं ठीक है जिसपे आप हिट कर सकते हैं जिसपे आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और क्यों आजमा सकते हैं ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में मैं आप देख रहे थे शुभम सिंह का ये लेक्चर सिनॉपसाइज के प्लेटफॉर्म पर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन मैं पढ़ाता हूँ उसके अलावा आप कॉमेंट सेक्शन में इसको uh, uh, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ठीक है जितने भी दोस्त आपके यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए दीज लेक्चर सो डैट कि ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक उसको uh, उसका फ़ायदा uh, पहुँच सके ठीक है ऐसे छुपा के नहीं रख लेना है कि भाई मैं ही देखूंगा और नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा एटलीस्ट अपने कुछ क्लोज सर्कल में तो आप शेयर कर सकते हैं ठीक है तो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग है नाइस डे ऑल द बेस्ट